नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नींबू के पौधे के बारे में। मैं नींबू के पौधे को कैसे लगाना है, क्या केयर करनी है कि आपको ढेर सारे नींबू आपके पौधे में मिले। इससे पहले, सब कुछ बताने से पहले पहले मैं आपको अपना नींबू का पौधा दिखा दूँ कि मुझे कितने सारे नींबू इसमें मिल रहे हैं, और फल की साइज़ भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी साइज़ में नींबू लगे हुए हैं मेरे पौधे में, और काफ़ी अच्छी मात्रा में भी लगे हुए हैं। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी ढेर सारे नींबू इस पौधे में लगे हुए हैं। और इधर एक दूसरा पौधा है, इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा पौधा नींबू से भरा पड़ा है। और अगर बात करें फल की साइज़ की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज़ इनकी है, और साथ में छोटे छोटे काफ़ी ढेर सारे फ्रूट्स और नए बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं कुछ 5 पॉइंट में आपको 6 पॉइंट में बताऊंगा। पहली चीज़ मैं बता दूं पहले ही कि आपको पौधे को लेना है कहाँ से, कैसे इसे लगाना है। दूसरी बात करेंगे हम कि क्या पॉट साइज हमें किस पौधे को कब देना है। तीसरी बात करेंगे कि इसे हमें कितना सनलाइट देना है, किस प्लेस पे रखना उचित होगा। देन उसके बाद चौथे पे हम बात करेंगे कि इसे वाटरिंग कितनी और कब देनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि पौधे को कब, किस स्टेज पे कौन सी कंपोस्ट और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है, जब भी आप पौधे को लगाना है आपको नींबू का प्लांट, आप इसे दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो सीड से, या फिर ये कलम या ग्राफ्टिंग से। ये तीन तरीके हैं नींबू के पौधे की। नर्सरी पे जो मोस्टली पौधे अवेलेबल होते हैं, वो ग्राफ्टिंग से या कलम से ही लगाए होते हैं, उनमें फ्रूट्स जल्दी आते हैं। अगर आप सीड से लगाते हैं, तो उसमें करीब करीब आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे पौधे में फल आने में। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपको फल चाहिए, तो आप ग्राफ्टिंग या कलम के पौधे को ही लेने की प्रेफरेंस रखें। ये पौधा जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत ही करीब करीब 2.5 से 3 साल पुराना पौधा हो चुका है, और ये मैंने खुद कलम से लगाई थी। मेरा जो पुराना पौधा था, इसका जो मदर प्लांट है, वो सूख गया है और वो ख़त्म हो चुका है, पर ये कलम जो सक्सेस हो गई थी, और ये कलम काफ़ी अच्छी से ग्रोथ की है, और इसमें अभी मुझे लगातार काफ़ी अच्छी नींबू हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं, और साइज़ भी इनकी काफ़ी अच्छी मिलती है, जिससे हम सेटिस्फाई हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको जब भी नींबू का पौधा लगाना है, तो या तो वो ग्राफ्टेड हो, या फिर कलम से लगाया हुआ पौधा हो। ये जो दूसरा पौधा आपको दिख रहा है, ये मेरा 1 से 1.5 साल पुराना पौधा, और इसको नर्सरी से मैं लेके आया था। जब नर्सरी से लेके आया, तो नर्सरी वाले आप देखते होंगे मोस्टली छोटा सा पौधा होता है, और उसमें नींबू लगा हुआ होता है, या फिर जो भी पौधे आप लेते हैं, तो वो कलम से लगाया हुआ पौधा ही, या ग्राफ्टेड वाला पौधा ही ऐसा हो सकता है जो छोटे से पौधे में फल आने लगे। तो जब भी आप लेके आए ऐसा पौधा, तो जो उसमें पहला फ्रूट आपको दिख रहा है, उसे हार्वेस्ट कर दें, उसे हमें नहीं लेना है। पौधे को कम से कम 1 साल तक मैच्योर होने दें, उसके बाद उसमें जब फ्रूट बने, फ्लावर्स बने, तो उसे फिर हम लेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों की पौधे को हमें कब, किस साइज का पॉट देना है। ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। पॉट सिलेक्शन दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम पौधा लेके आए और हमने जो है बड़े से बड़ा पॉट दे दिया पौधे को, तो उसमें क्या होता है, पौधा एक बार अपनी रूट को फैलाता है। स्टार्टिंग में रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं और बहुत ही जल्दी पूरे गमले को कवर कर लेती हैं, फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, जब आप पौधा लेके आते हैं, जब कलम आप खुद लगाते हैं या पौधा लेके आते हैं, तो उसकी ग्रोथ के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसको आप पॉट साइज दें। जैसे आपका पौधा आप नर्सरी से लेके आते हैं छोटा पौधा, उसे आप 10 से 12 इंच की पॉट में लगाइए। जब पौधा 6 महीने तक की ग्रोथ कर ले, 6 महीने से ऊपर हो जाए, उसकी ग्रोथ थोड़ी बूसी आपको दिखने लगे, तो एक बार पॉट चेंज करके उसे 12 से 15 इंच का पॉट, 15 इंच का पॉट कम से कम दे, अगर आपको अच्छे से फल चाहिए तो। और अगर 18 इंच का देते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इस पौधे को देखिए, मैंने दूसरी बार में ये पॉट दिया हुआ है, और ये जो पौधा है, इसमें तीसरी बार मैंने इसकी पॉट को चेंज किया हुआ है। अभी फ़िलहाल ये 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, और आप पौधे को देख सकते हैं कितना ही हैवी ये दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से पॉट सेलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और उसमें जो फ्रूट्स बन रहे हैं, उसकी साइज
और फ्रूट्स की क्वांटिटी के लिए कि आपको कितनी मात्रा में फ्रूट्स उसमें मिल रहे हैं, तो वो पॉट साइज के सिलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर जो तो दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि आपको पौधे को रखना कहाँ है। तो देखिए ये जो नींबू का पौधा है ना, काफ़ी हैवी फीडर है और इसको अपने भोजन को बनाने के लिए जो क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो पौधे को आप फुल डे की सनलाइट में रखें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये पौधा आपको फुल डे की सनलाइट में रखना है। कम से कम दिन की 6 से 7 घंटे का धूप इस पौधे को चाहिए अच्छे से सर्वाइव करने के लिए और अच्छे से फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए। तो जहाँ भी जिस भी जगह पर रखें तो आप ये देख के रखें, ध्यान में रखें कि पौधा जहाँ भी आपका रखा हुआ हो तो आपको पौधे के पास, पौधे के ऊपर कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट आती हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, पौधा जो है ग्रोथ तो करता है पर जो उसमें फ्रूट्स आते हैं या जो फूल बनते हैं ना वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते और वो पहले ही गिर जाते हैं या फिर छोटे छोटे फ्रूट बन के वो झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो ये मेजर रीजन होता है। अगर आपको इनसे बचना है तो पौधे को फुल सनलाइट में प्लेस करें। फिर दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट है कि वाटरिंग हमें कितनी देनी है। तो वाटरिंग आप इसमें भरपूर मात्रा में दीजिए जब तक कि इसमें फ्लॉवरिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। फुल आप इसकी मिट्टी को चेक कर सकते हैं, जैसे ऊपर से हल्की ड्राई मिट्टी नज़र आया, अभी देखिए मेरी मिट्टी यहाँ पे आपको नम नज़र आ रही है, मैंने अभी पानी दे रखा है इसमें और फिर मे भी कल तक ये मिट्टी ड्राई होगी तो हम कल फिर इसमें वाटरिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं जब तक फ्लॉवरिंग नहीं आती है। एक बार जब पौधा आपकी फ्लॉवरिंग की स्टेज पर आ जाता है तो आपको वाटरिंग की जो मात्रा है उसको, गैप है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। आपको समझना ये है कि थोड़ा बढ़ाना है, मतलब कि अगर आप वाटरिंग लगातार जैसे दे रहे हैं वैसे ही देते रह जाएंगे तो पौधा अपनी ग्रोथ पे फोकस करेगा, फ्रूट्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो आपको वाटरिंग थोड़ा सा कम करना है, हल्का कम करना है, जिससे पौधे पे हल्का स्ट्रेस आएगा उसकी ग्रोथ पे, तो उसकी जो फोकस है वो उनकी फ्रूट्स पे जाएगा और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और मैच्योर होंगे। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये जो सावधानी हमने बताई आपको, इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपने वाटरिंग बिल्कुल कम कर दी और जो पौधा है वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए और ज़्यादा स्ट्रेस में आने की वजह से जो फ्लावर्स हैं उनको ही ड्रॉप करने लग जाए। ये हो सकता है अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती, ज़्यादा गैप कर दिया, मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो गई, तो इन चीज़ों से आपको बचना है, इनको खास ख्याल रखना है तब जब पौधा आपकी फ्लावरिंग स्टेज पर आ चुका हो। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इस पौधे की कंपोस्टिंग के बारे में। तो देखिए इसमें जो 3 महत्वपूर्ण फर्टिलाइज़र हैं जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉस्फोरस और पोटेशियम। जो फॉस्फोरस होता है दोस्तों वो देखिए जैसे फ्रूट्स बन रहे हैं तो जो इनकी स्टेम्स है ना इन्हें मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो जब तक आपका पौधा फ्लॉवरिंग स्टेज पे नहीं आया होता है आपको इसमें काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें देना है। हैवी फीडर प्लांट है तो आप गमले की साइज़ के हिसाब से, अगर 12 इंच का गमला है आपका तो 200 से 250 ग्राम काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, साथ में इसमें आप चाहें तो 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी बोन मिल पाउडर मिला सकते हैं, ये आपको देना है। और 18x18 इंच का गमला है तो इसमें करीब करीब 300-400 ग्राम हम ये कंपोस्ट देंगे। जब पौधा एक बार आपकी फ्लॉवरिंग स्टेज पे आ जाता है, और एक चीज़ मैं और बता दूँ फ्लॉवरिंग स्टेज पे आने से पहले मैं भूल गया हूँ, आपको इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनकी मात्रा को भी काफ़ी अच्छे से बूस्ट करना है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ में और पौधे अपनी ग्रोथ को काफ़ी अच्छे से क्रियान्वयन करें उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही आवश्यक रोल अदा करता है। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से, देखिए ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आप चाहें तो इसे लिक्विड कंपोस्ट अपने पौधे में दे सकते हैं या फिर आप इसके ग्रेन्युल्स भी आते हैं उन्हें भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए और भी जो अवेलेबल हो आपके पास कंपोस्ट उन्हें दे सकते हैं, जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो संख्या है वो आपकी मिट्टी में बढ़ जाए और आप उससे जो है मिट्टी को काफ़ी अच्छे से, जो इसमें जो रूट्स हैं इसकी पौधे की, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को काफ़ी अच्छे से ग्रहण कर सकें। फिर दोस्तों जब पौधा आपकी फ्लॉवरिंग स्टेज पर आ जाता है
आपको बताऊं मैं कि नींबू का पौधा साल में कम से कम 3 से 4 बार फ्लॉरिंग करता है। 3 बार तो मोस्टली करता है, कभी कभी 4 बार भी करता है, पर इसमें जो फ्रूट्स बनते हैं वो 1 से 2 बार बनते हैं। कुछ पौधे 2 बार भी फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ साल भर में 1 बार ही करते हैं। तो हर बार आपका पौधा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा ये ज़रूरी नहीं है। आप ये देखो, आपके पौधे का नेचर देखो कि कब फ्रूट प्रोड्यूस करता है। मेरा पौधा अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें फ्रूट लगे हुए हैं और छोटे छोटे फ्रूट्स भी काफ़ी बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पौधा आपकी छोटे छोटे फ्रूट्स आपके बनने लगे, फ्लावर्स आने लगे, तो उसमें आपको क्या देना है? देखिए, फास्फोरस की मात्रा कंपोस्ट आपको इसमें बढ़ा देनी है। उसके लिए आप सरसों की खली की लिक्विड कंपोस्ट दे सकते हैं, वो बहुत ही कारगर होती है। साथ में आप इसमें पोटेशियम भी दीजिए, जो कि आप बोन मील के साथ दे सकते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों की मात्रा होती है, जो पौधे की फ्लावर्स को जो है रोकती है, गिरने से, ड्रॉप होने से रोकती है और फ्रूट्स बनने की पॉसिबिलिटी उसके बाद बढ़ जाती है। अब दोस्तों, जो फास्फोरस मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी स्टेम्स को मजबूत करती है, जिससे पौधा इस जो फूल फल बन रहे हैं इन्हें रोक पाता है अपने स्टेम्स पे और ये बड़े होते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम ये फल की साइज को भी बूस्ट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना है, जिसमें आप चाहे तो बोन मील और सरसों की खली की लिक्विड कंपोस्ट, साथ में आप चाहें तो बनाना पील फर्टिलाइजर, यानी कि जो भी फर्टिलाइजर आपको पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर मिल रहा है उन्हें यूज करना है अपने पौधों में। पौधा आपका जब इस साइज के फल बनने लगे तो आपको देखिए जो फ्रूट्स हैं उन्हें हार्वेस्ट करने तक करीब करीब 15 से 20 दिन के गैप टाइम इंटरवल के बीच में ये बोन मील, बनाना पील फर्टिलाइजर या फिर सरसों खली कम लिक्विड कंपोस्ट, साथ में सीवीड का ग्रैनुअल्स, अभी भी आपको इस पौधे को ग्रैनुअल्स या लिक्विड फॉर्म में जो कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए देते हैं उसे देना है, तभी आपको इस प्रकार के इस साइज के फल नींबू के पौधे में मिलेंगे और आपका नींबू का पौधा फल और फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।